प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों ने सुना होगा कि बड़े देखकर डरो मत और छोटे देखकर लड़ो मत। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह हम सबों को बताते हैं, उनके शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, हम में से बड़ा कौन है। और ईसा मसीह इन्हें जानकर उनके सामने ही एक छोटा सा बच्चा को लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि यदि आप इस छोटे से बच्चा के समान जब तक नहीं बन जाते हो, आप सबसे छोटे रहोगे। मतलब यदि हम अपने आप को इस बच्चा के समान बना देते हैं, तब हम सबसे बड़े होंगे। और परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई इस बच्चा को मेरे नाम पर स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। और आप जानते हैं यह बच्चों का उदाहरण क्यों प्रभु ईसा मसीह देते हैं, क्योंकि वे निष्कलंक निष्कपट होते हैं। उनके दिल दिमाग में उनके मन में कुछ भी भ्रम नहीं रहता है और न उनके निष्कपट रहते हैं। आप जानते हैं स्वागत करने का तात्पर्य यही है कि हम उन बच्चों को क्या दे सकते हैं, हम क्या बड़ाई कर सकते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। आप जानते हैं हमारे समाज में हम उनके लिए ही स्थान देते हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे लिए सभी चीज दे सकते हैं। मतलब हम उन लोगों के लिए स्थान देते हैं जो उनके चलते हमारा प्रसिद्धि हो। मतलब मुझे लोग जानने लगेंगे, मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। आप जानते हैं कुछ महीनों पहले एक सहदेव जिन्होंने एक गाना गाया था, मेरा बचपन का प्यार, और वह कितने प्रसिद्ध। उस सहदेव के प्रसिद्धि के कारण बहुत सारे लोग उन्हें अपने स्टेज पर बुलाने लगे, जिससे मेरा भी चैनल अच्छा चले। तो इसी प्रकार आज हमारे जीवन में हम प्रचार प्रसार के लिए लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि हमारे हृदय में निष्कपट हो। मतलब हम छल कपट ना दिखाए, हम एक निर्दय हृदय से लोगों की सेवा करें। और आज के पहले पाठ में भी ईश्वर कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दूत को भेजता हूं, जिससे आप अपने कार्य को आप कर सकेंगे। आपको घबराना नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें बेहिचक बिना डर का हमें ईश्वर के वचन को फैलाना है, अच्छे कार्य करना है, तभी हम ईश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकेंगे और बहुत सारे लोगों को हम उस राज्य की ओर ले जा सकेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चों को आप तिरस्कृत ना करें, उसे तुच्छ ना माने, क्योंकि वे एक स्वर्गदूत के समान है, वे निष्कलंक है, निष्कपट है। इसलिए हमें भी उनकी तरह बनना है, उनसे हमें सीख लेना है, तभी हम सबसे बड़े स्वर्ग राज्य में बन सकते हैं। तो आइए हम सभी एक निष्कपट निष्कलंक हृदय के साथ परमेश्वर के सामने हम प्रस्तुत हों, जिसे हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे और हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहला सकेंगे। आइए हम कुछ देर मौन रहें और परमेश्वर से यह कृपादान मांगें।